आज मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कालिदास मार्ग पर आज होगी कलश पूजा। गोरखनाथ मंदिर के पुजारी करेंगे नवरात्र की कलश पूजा, शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। आज शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास पर फलाहार का आयोजन, करीब 150 कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहेंगे सीएम। शाम 6 बजे सीएम निवास पर शुरू होगा फलाहार, मंत्री विधायक और पार्टी के बड़े नेता भी होंगे शामिल। जमीन पर दरी बिछाकर फलाहार करेंगे मुख्यमंत्री, तांबा और कांसे के बर्तन का होगा इस्तेमाल। फिर बदले यूपी के सीएम की नेम प्लेट, आदित्यनाथ योगी की जगह फिर से योगी आदित्यनाथ हुआ नाम। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, बूचड़खाने के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बातचीत। सिद्धार्थनाथ सिंह से मिला कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल, बूचड़खाने और मीट कारोबार पर कार्रवाई को लेकर चर्चा। कांग्रेस ने की मीट कारोबारियों को महीने भर का वक्त दिए जाने की मांग, कहा पहले कानून बनाए यूपी सरकार। मायावती ने भी उठाया मीट कारोबारियों का मुद्दा, कहा या तो बूचड़खानों का फौरन लाइसेंस दे यूपी सरकार या फिर वक्त दे। आज लोकसभा में होगी जीएसटी संशोधन बिल पर चर्चा, आम सहमति से पास कराना चाहती है सरकार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जीएसटी बिल पर चर्चा, 1 जुलाई से देश भर में लागू करना चाहती है सरकार। अखिलेश यादव ने ली विधायकों की बैठक, शिवपाल यादव ने नहीं लिया हिस्सा। अखिलेश यादव होंगे समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के नेता, पार्टी एमएलए की बैठक में नाम पर लगी मुहर। राम गोविंद चौधरी होंगे विधानसभा में विपक्ष के नेता, शिवपाल यादव और आजम खान नाराज। एयर इंडिया ने फिर कैंसिल किया एयर इंडिया फ्लाइट में सैंडल चलाने वाले शिवसेना सांसद का टिकट, मुंबई से दिल्ली के लिए पकड़ी ट्रेन। सांसद रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ जारी रहेगी पाबंदी, एयर इंडिया ने कहा हालात नहीं बदले। मेरठ में बीएसपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का बवाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर हंगामा। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय पर जेएनयू छात्रों का प्रदर्शन, एमफिल और पीएचडी की सीटों में हुई कटौती का विरोध। एमसीडी चुनाव में बीजेपी प्रचार के लिए उतारेगी 5 राज्यों। बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे 14 केंद्रीय मंत्री, पार्टी के लिए मांगेंगे एमसीडी चुनाव में वोट। गृहमंत्री राजनाथ, वित्त मंत्री स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल मांगेंगे एमसीडी चुनाव में वोट। आम आदमी पार्टी भी एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए तैयार, अपने स्टार प्रचारकों से पार्टी कराएगी दिल्ली में 1000 जगह पर चुनावी सफाई सभाएं। सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और कपिल मिश्रा मांगेंगे पार्टी के लिए वोट, प्रचार की कमान संभालेंगे आशीष तलवार। दिल्ली के करीब फरीदाबाद में एक कपड़ा शोरूम में घुसकर बंदूक की नोक पर लाखों की लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के गांधीनगर में चोरी करते शख्स को बीट कांस्टेबल ने मौके से पकड़ा, 2 बार पहले भी चोरी की वारदात में रहा है शामिल। पीलीभीत में एक मां ने लगाई अपनी 2.5 साल की बच्ची को आग, फिर खुद को भी जलाया, दोनों की मौत। यूपी के संभल में उधारी के पैसे मांगने पर व्यापारी को मारी गोली, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने खोजबीन की तो मिला शव। झारखंड के खूंटी में एक कुएं से मिला युवक का शव, नशे में कुएं के अंदर गिरकर मरने की आशंका। मुजफ्फरनगर में 12वीं की लड़की को अगवा करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लड़की भी मिली। राजस्थान के झालावाड़ में मंदबुद्धि महिला के साथ गैंगरेप, 4 में से 1 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक लड़के ने लड़की के फोटो को एडिट कर बनाया अश्लील, सोशल मीडिया पर किया वायरल। भटिंडा में नकली डिग्री सर्टिफिकेट गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जौनपुर में एक जज को आया बम से उड़ाने की धमकी लिखा खत, पुलिस ने किया हाई अलर्ट। ग्वालियर में 3 बाइक सवारों ने किया युवती पर ब्लेड से हमला, घायल अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के औरंगाबाद पुलिस ने अफीम तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 40 किलो तैयार अफीम, 10 किलो अफीम पाउडर और नशीली दवाएं बरामद। झारखंड के चाईबासा में एक ट्रक में मिला 720 किलो गांजा, 4 युवक देसी बंदूक के साथ गिरफ्तार। भगवानपुर कस्बे में पुलिस ने करीब 50,000 की नकली करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, घर पर ही कलर फोटोकॉपी मशीन से बना रहे थे नोट। बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर पशु तस्करों की गाड़ी दूसरे वाहन से टकराई, मचा हंगामा तो पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने तोड़ी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की कार, सामने आया सीसीटीवी।
लखीमपुर खीरी में बूचड़खाने बंद होने से नाराज मीट व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, लगाया आरोप, हिंदूवादी नारे लगाकर कई लोग ले जाते हैं जबरन उठाकर। छपरा में वित्त रहित शिक्षकों ने किया सीएम नीतीश के लिए सद्बुद्धि यज्ञ, 14 दिन से जारी है हड़ताल। ललितपुर में गौशाला निर्माण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, फंड रिलीज होने के बावजूद नहीं बन सकी गौशाला। एटा में गर्भवती महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने पुलिस के सामने ही अस्पताल में की तोड़फोड़, मामला दर्ज। मेरठ में मुस्लिम शादियों में मीट न होने से हो रही है परेशानी, लोग कर रहे हैं सरकार से गुहार। गाजीपुर में अवैध बूचड़खानों के बंद होने से शादी में बड़ी खाने की दिक्कतें, 90 से बढ़कर 140 रुपए हुआ भैंसे का मांस। बिहार यूनिवर्सिटी में बीएड कॉपी को रीचेक कराने के लिए छात्रों ने निकाला जुलूस, हंगामा देख पुलिस की तैनाती। ओडिशा की 6 साल की फिरदौस ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम की, भगवद गीता का पाठ सुनाकर किया सबको मंत्रमुग्ध। झाबुआ में एक डॉक्टर को फेसबुक पर मीट बैन का विरोध करना महंगा पड़ा, एक पोस्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस लाई थाने।